थ्रेटनिंग FID सेल्सियस एंड पॉजोरा, ये आज का यहाँ पे होने वाला है थर्ड मैच। सो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है, है अपनी प्रेसिडेंट फेवरेट टीम का नाम स्पैम करो, क्योंकि डिफरेंस कभी भी घटता बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। हाँ, गॉडलाइक के पास जो लीड है वो तो यही सोच रही होगी, नॉर्मल खेलते कुछ एक्स्ट्रा करने का ट्राई जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि अगर डे बाई डे आपका हर दिन अगर अच्छा जा रहा है तो फिर क्यों कुछ एक्स्ट्रा करके उनको खराब करना। तो गॉडलाइक के लिए तो अभी तो बेस्ट है, वो अगर किसी टीम के साथ फाइट भी लेते, अर्ली एलिमिनेट भी होते तो मुझे नहीं लगता कोई खासा और नुकसान होगा। प्लस के और मैट मारो जो थे वो ब्लाइंड के स्पाइक को टेक डाउन करेंगे कार19 के चलते, और आदित्य ने फॉस के लिए भी दिक्कतें बढ़ा दी। गॉड लाइक अपनी रोटेशन को स्टार्ट कर दी दिखेगी, लेकिन हर्ष अभी भी 19 टीमें इस मैच में बची हुई है 67 प्लेयर्स के साथ, तो स्टिल वी हैव 19 टीम्स विद दैट टोटल 67 प्लेयर्स। सो ऑडियंस जल्दी से यहां पे शेयर करो, क्योंकि अब इस मैच में काफी कुछ होने वाला है, काफी अर्ली फाइज देखने को मिलेंगे, और गॉड लाइक का आई डोंट थिंक सो वो इस फाइट से फॉल बैक करेगी। हाँ, अगर थर्ड पार्टी होती है तो मे बी सिचुएशन अलग होगी, अदरवाइज हीरो को यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग कंफर्म कर लिया जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड आपने गॉडल की थर्ड पार्टी की बात की, बट गॉडल इज अ टीम जो सबसे ज्यादा थर्ड पार्टीज करती है, तो मुझे यहां तक लग रहा है मिरामार काफी स्ट्रांग है गॉडल का, एंड मेरी उम्मीदें काफी ज्यादा है गॉडल से इस मैच के अंदर, बिकॉज वी नो दैट काफी अग्रेसिव टीम है। एक से एक यहाँ पे बेहतरीन प्लेयर्स देखेंगे, बीटसी गॉड, जॉनथन, नियो, हर एक खिलाड़ी 20 लेवल पे आपको एक एक वन ऑफ डेल्टा पीजी को बटवा पे कार्तिक को नियो एक और प्लेयर को बाहर करेंगे और एक फिनिश पॉइंट अपने नाम कर देखेंगे। पहला फिनिश देखने को मिला गॉड लाइक के पास, चारों प्लेयर्स के साथ यही इस टीम की खासियत है। सेल्सियस के विक्सी की बात करते हैं, ईकेएम देखने को मिल रही जो मान्य को दिक्कतों में डालेगी, राइवलरी के फाइनल बॉस टीएसएम के एक वन ऑफ को टेक डाउन करेंगे, व्हीकल के ऊपर स्प्रे किया जा रहा है, क्या माइटी को धराशायी कर पाएंगे? जी हां, स्प्रे लिया जरूर, लेकिन बच गए वहां पे माइटी, जॉनथन के स्प्रे से बच के गए, बट अब पूरी टीम अगर बार बार वही गलती करेगी तो आई थिंक आपको दिक्कतें हो सकती है। व्हीकल ब्लास्ट लिटरली बची, अगर पूरी टीम शॉट लेती तो आई थिंक इजी होता। चल, काफी ज्यादा दूर है गॉडल के बाकी प्लेयर्स, आई थिंक सही डिसीजन है, क्योंकि वो जोन में है तो थोड़ी देर के लिए होल्ड भी कर सकते हैं या रोकने की भी कोशिश कर सकते हैं बाकी प्लेयर्स को कि वो उनके प्लेयर्स के ऊपर शॉट ले। सविता को रिवाइवल देना है, आई थिंक काफी डिफिकल्ट होगा, मैस्टर्स के पास ग्रेनेड और ये करके यहाँ पे स्पैम लगा रहे हैं कि यस गॉडल वी वांट अ कमबैक, एंड वो चीज आती भी दिख रही है, चार फिनिशर्स निकल चुके हैं यहाँ पे, अभी भी काफी टीम्स बची हैं, इफ इस पॉइंट से सर्वाइव कर जाती है गॉडल प्रीटी मच श्योर, कोशिश काफी ज्यादा रहने वाली है कि यहाँ पे एक चिकन पे एम करें बट एटलीस्ट कुछ बढ़िया फिनिशर्स भी निकाल लें। सेकंड या थर्ड पोजीशन भी आए बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे जंप लेती दिखेगी, बट नियो को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया, स्मोक बॉल्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके थे, काफी बढ़िया डिसीजन, वन वे स्मोक किया पीछे की सारी फाइट को कट ऑफ करने के लिए, रिवाइवल मिल जाएगा, काफी स्मार्ट मूव यहाँ पे बाय गॉड विलियम्स की तरफ से। यहाँ पे इमो मेगा ट्राई कर रहे हैं स्पॉट करने का एक एक करके प्लेयर्स के ऊपर, क्या कर रहे हैं आप, बहुत बेहतरीन स्प्रे थी वो, बट स्टिल व्हीकल ऑलरेडी काफी ज्यादा स्पीड था, ब्लेड लुक्स का शायद कनेक्शन नहीं थोड़ी सी आती थी, गॉड की दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ चुकी है अब यहाँ पे, सेवन सी आगे दिख रहे हैं, पीछे से कैमिन भी क्लोजिंग करने वाली है, तो कहीं ना कहीं गॉडल के लिए मुसीबतें थोड़ी अब मुझे लग रहा है यहाँ पे पड़ती, देख सकते हैं आपको फॉर श्योर ओपन में थे प्लेयर्स, यहाँ से बच के निकलना तो इम्पॉसिबल है, आप चाहे जितने भी अहम खिलाड़ी क्यों ना अपनी टीम के लिए, लेकिन आप पूरा ओपन हो, सो सर्वाइवल तो इम्पॉसिबल था, और उसका फायदा यहाँ पे केमिन ने उठाया जो थोड़ा लेट रोटेशन के चलते गए, यूज करें ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे अपनी टीम के लिए। इसकी बात करें वो भी जब वहाँ पे प्रोन डाउन है, एकेएम देखने को मिल रही है, स्मोक वॉल्स लगातार करते दिखा, लेकिन गॉडल के जी गॉड वो केमिन के लिए दिक्कतें बढ़ा रहे हो, मीका को टेक डाउन करेंगे और स्प्रे गॉड अपनी M4 के साथ लगातार शॉट पे शॉट ले, लेकिन पीछे ध्यान नहीं दिया, लेफ्ट साइड से आए शॉट और उनको भी टेक डाउन कर दिया। सारंग के पास आपको M116 देखने को मिलेगी, सामने वहां पे टीम फॉरएवर के प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर M116 के जो शॉट्स हैं वो ट्राई किए जा रहे हैं लगातार, किस्मत मारो एक प्लेयर को टेक डाउन करेंगे, ओवेस बोलती आपको देखने को मिल रहा है, केविन के माइटी जो कि अकेले प्लेयर बचे अपनी टीम से वो यहां पे अपनी आखिरी हेल्थ किट पंप अप करेंगे, जी गॉड हालांकि इस मैच से बाहर होंगे, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग गॉडल का भी सफर हुआ खत्म, और मुझे नहीं लगता लिपोव का रहता है, हालांकि पहले गॉडलाइक की बात कर लेते हैं, यासनाया पोलियाना आई थिंक नोवो रेपनोए सिटी, और अगर आप जॉर्जियो के बाद किसी एरिया की बात करते हो तो आई थिंक वो यासनाया ही होता है, जहां पे आपको बहुत अच्छी लूट मिल जाती है अगर आपको जोन का थोड़ा सा साथ मिल जाता है और जोन भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है इनको, तो इनके लिए तो दिक्कतें नहीं होंगी और ऑलरेडी अच्छे खासे पॉइंट्स हैं इनके पास, अगर एक चिकन डिनर निकालते हैं तो और उस लीड को बढ़ाते हुए दिखेंगे, आगे बढ़ते हैं मिल्टा ऐसे आप पहुंचेंगे ब्रिज पार करके, आपको दो टीम्स एक्सो एंड सेवन सी ये आपके ऊपर नजर लगाए ऑलरेडी बैठेगी, यानी कि काफी क्रियोटिक सिचुएशन होने वाला है, एंड मजा इस बॉटल्स को टेक डाउन कर चुके हैं यहां पे, गॉडल के जी गॉड देखने को मिलेंगे, सेल्सियस का भी सही डिसीजन था, यासनाया पे स्लैम दिया, अब गॉडल के प्लेयर जरूर इस फाइट को अपने नाम करना चाहेंगे, जॉनथन है तो फिर ऑब्वियसली आप ओपन में नहीं जा सकते, सेल्सियस कार्तिक को टेक डाउन किया गया है, विक्सी भी देखने को मिलेंगे, मैन का जो डिसएडवांटेज है वो अब सेल्सियस को भी डील अप करना पड़ेगा आपको, चल जॉनथन जीगॉड देखने को मिलेंगे, इनकोर को सिक्योर किया गया, जीगॉड का ग्रेनेड ड्रीम को नॉक करेगा, मॉली है वहां पे, जीगॉड के पास M249 जरूर है, आप स्लैमिंग के लिए जा चुके हैं, क्या कर पाएंगे सिक्योर, जी आप पूरा ट्राई करेंगे 66 एमओ के साथ, जी क्लोजिंग करेंगे, हेड पे करना चाहेंगे जीगॉड को टेक डाउन, बट सही
सही समय पे पहुंचे वहां पे उनके सेकंड प्लेयर जो थे और अपनी टीम को बचाया। जी गॉड नॉक है आई थिंक जी यहाँ सिक्योर कर दिया गॉड एल अपने नाम पहला फिनिश पॉइंट। आई थिंक सेल्सियस के अभी भी एकमात्र प्लेयर बचे हैं विक्सी जंप शॉट के लिए ट्राई किया। आई थिंक उनके पास ग्रोजा देखने को मिल रही है जिस तरीके से गन्स आउट आया और बाहर करने पूरी कोशिश पॉइंट शॉट के जाएंगे और गॉड एल ने निकाली एक और फाइट यासनाया पोलियाना में और जॉनथन के पास जाएंगे दो फिनिशेज। अब वो जो 33 फिनिशेज थे उसमें दो फिनिशेज आप और ऐड कर दी इंसेंट के गोबिन के ऊपर भी शॉट्स आएंगे भाई टीएसएम जोड़ा दिया तरफ से यहां पे जॉर्ड के ऊपर इंस्टेंट ट्रेड आता देखिएगा चाल कर से काफी ज्यादा बेहतरीन स्प्रे 8 बिट के दिक्कत है काफी उड़ा चुके हैं जेजी को भी यहां पे डाउन करेंगे जी गॉड दिस गाय इज नॉट इवन स्टॉपिंग गॉडल डोमिनेशन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है जॉनथन विद ग्रोजा क्लोजिंग कर जाएंगे वी नो द पावर ऑफ ग्रोजा बट जी गॉड मौके का दे रहे जी गॉड खुद ही सारे के सारे भी कम कर रहा लास्ट पॉइंट यहां पे जॉनथन आएंगे एक सही ट्रेड फायर देंगे सही कप फायर देंगे पूरी की पूरी टीम का पिकअप गॉडल हैट्स ऑफ जिस तरीके से कमबैक आ दिख रहा 8 फिनिशर्स ऑलरेडी आ चुके हैं हर एक फाइट के अंदर सुप्रीमेसी आती दिख रही है और कैमन पोर्ट 20 यूपी अक्षत और कॉडल जॉनथन लगातार स्पेस स्ट्राइक कर रहे हैं एचपी है ये टीम एचपी और अच्छा खेलती है सेंटर के बजाय क्योंकि पूरा एरिया रहता है फिनिशेस निकालने का और 9 फिनिशेस ऑलरेडी गॉडल के पास आ चुके हैं तो ओजी के साथ जो डिफरेंस था जो आप पॉइंट्स का तो वो इस मैच में मेबी कम हो सकता है। अब उनके जस्ट सामने राइवलरी भी है थोड़ा सा डिप का यूज करिए प्रॉपर ओपन में जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी क्योंकि आपके राइट में भी एक टीम देखने को मिल रही है डेल्टा पीजी सामने है उन्हीं के साथ अगर आप बात करो दो प्लेयर्स के स्प्लिट में खेल रहे हैं राइवलरी की दो प्लेयर्स को अगर हमारे जोन आना है तो इजिली आ सकते हैं बट वही चीज है आप अगर व्हीकल है तो ठीक है ओपन जाओगे तो ऑब्वियसली आपको गॉडल नहीं तो कोई और टीम जरूर वहां पे डाउन करेगी बट ओजी गैस की बात करें तो उन्होंने अपनी एडब्ल्यूएम का कमाल दिखाया जाने के एक प्लेयर होता तो बात अलग होती लेकिन यहाँ पे पूरी टीम है इनसीन के लिए भी दिक्कतें बढ़ा दी गई है गॉडल के हाथों से सो जोन पूरा का पूरा एक ओपन एरिया उसमें कर चुका है थोड़ा सा डीप थोड़ा सा हिल आपको मिलेगी आप उसका यूज करिए सेवन सीज एक और मैच में कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है आपको जो टीमें स्टार्टिंग से हम लोग को अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए दिख रही है वो इस मैच में भी दिख रही है आप सुंदर को देखिए वो अभी भी अपनी टीम के लिए जितना ज्यादा सर्वाइवल हो सकता है ट्राई कर रहे करने का और टीएसएम के प्लेयर्स देखने को मिल चुके हैं ब्लाइंड के विलियम जेड जो है वो मुझे वहां पे देखने को मिले अकेला प्लेयर और कब इनकी फाइट हुई थी कब से कब तक सरवाइव कर रहे हैं और जिस एरिया पे वो है मुझे नहीं लगता कोई और टीम को स्पॉट कर पाएगी जी गॉड के लेजर स्प्रेज करेंगे दिक्कतें खड़ी इनसेन के लिए गॉब्लिन को टेक डाउन किया गया और जी गॉड वापस स्मोक बॉल्स बनाने कोई खासा जरूरत है नहीं आप इजीली रिवाइवल दे सकते हो लगातार जॉनथन के ग्रेनेड जा रहे ऑलरेडी उनके पास ग्रोजा है तो एक दो अगर हेड में कनेक्ट हो गए प्लेयर तो इजीली वो नॉक हो जाएगा सो रिस्क लेने से बढ़िया थोड़ा सा आप पीछे भी हट सकते हो अभी के लिए क्योंकि टीम है यहां से एलिमिनेट हुए तो सर्वाइवल के सिर्फ एक ही पॉइंट मिलने वाला है आपको तो ट्राई करो टॉप 4 टॉप 3 तक जाने का काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे 10 फिनिशर्स गॉड के पास भी हो चुके हैं टीएसएम काफी बेहतरीन टीम है एक अच्छा एरिया होल्ड करे यहां से ट्राई कर सकते हैं कुछ बढ़िया शॉट्स कनेक्ट करेगा बट क्या वो चीज आती दिखेगी क्योंकि अब जोन का यहां पे आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा अब तक जोन का था यू द प्रेडिक्शन था सेम वैसे ही खेल रहे हैं गॉडल के प्लेयर्स थोड़ा सा अगर इस हील का यूज करेंगे तो इनसेन का तो सफर ही खत्म हो जाएगा अगर उनको हल्का सा भी ताके बराबर मिल चुका है व्यू तो अब ये जॉनथन नहीं रुकने वाले वो जाएंगे वहां पे गॉब्लिन को लो ऑन हेल्थ करेंगे और गॉब्लिन को नॉक भी कर देंगे जिस चीज का यहाँ पे अंदाजा लगाया गया था और साथ ही साथ यही खासियत है टीएसएम में देखिए सॉरी फॉर दैट जॉनथन में अपने आप को काफी जल्दी चेंज कर लेते हैं देखा वहां पे रिलोडिंग पे गए और पूरे के पूरे इंसेन के लिए दिक्कतें बढ़ाते हुए दिखेंगे नियोरायन को भी बाहर करेंगे 5 फिनिशेस वहां पे अब इनके पास आ चुके लेकिन देखिए टीम रुकी नहीं अभी भी रुकी नहीं उनको पता यही मौका टीएसएम को भी बाहर करेगी दो टीमों को 10 सेकंड के अंदर जो डिस्ट्रक्शन यहां पे दिखाई है गॉडल ने वो अलग लेवल थी गॉडल ओपी तो बनता है चैट में क्योंकि 10 सेकंड थे यहां पे मैक्स टू मैक्स मुझे ऐसा लगा हर्ष और इनसेन टीएसएम दोनों टीमों को बाहर कर दिया इस टीम ने नियो जॉनथन चल और यहां पे पूरी एक और प्लेयर बाहर भाई चार टीमें 7 प्लेयर देखने को मिलेंगे और 16 फिनिशेस गॉडल के पास आ गए हैं क्या 20 फिनिशेस चिकन डिनर अपने नाम कर पाएगी नंबर्स एडवांटेज है जोन का अच्छा एरिया है प्लेयर्स काफी एक्टिवली स्काउट कर रहे हैं प्रीटी मच्योर ये चीज आती देखिए आपको एंड जिस तरीके का प्रेशर दिखा रहे विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई पूरे के पूरे मैदान को यहाँ पे खाली करके अपना दबदबा दिखा चुके अपनी जगह बना अब यहाँ से एक काफी बड़ा परफेक्ट करके और आई एम आपको टीम में जिन्होंने हमसे वो फर्स्ट पोजीशन ली बट अब इस पॉइंट पे हम यहाँ पे उस पोजीशन को वापस ग्रैब करेंगे एंड हेल्थ एक्चुअली जो चीज आपने बोली विलियम इज जस्ट सर्वाइविंग ऑन दैट पॉइंट एचपी देखते हैं क्या होने वाला कोशिश जरूर कर रहे हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फर्स्ट एड पॉप करने की बट अगर एक ग्रेनेड सही तरीके से टॉस होती है पोजीशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है इनकी और अकेला प्लेयर है सो दिक्कतें बढ़ेंगे बट हाँ जितनी ज्यादा दिक्कतें सामने वाली टीम के लिए बढ़ा सकते हैं वो भी एक देखने वाला मैटर है आप जोन की डैमेज ले लो वो सही है बट बाहर किए जाएंगे गॉडल के हाथों तो 17 फिनिशेस तो इस टीम ने अपने नाम कर लिए हैं और अब इनके जस्ट सामने रैकनिंग अकेली टीम बची है सुंदर अकेले प्लेयर है नियो वहां पे जा चुके हैं अब करेंगे